बदलते हुए विश्व परिदृश्य में, यानी वर्ल्ड जो सिनारियो बदल रहा है, उस बदलते हुए विश्व परिदृश्य में कोविड 19 ने जो अपना रूप दिखाया, उस भयावह रूप से निपटने के लिए विश्व के तमाम देश आज प्रयासरत हैं, वैक्सीन बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। और हमारे भारत जैसे देश में कोरोना महामारी अपना भयावह रुख भी अख्तियार कर चुकी है। तो एक तरफ विश्व समुदाय कोरोना महामारी का काट निकालने में जुटा है, तो दूसरे तरफ एक और हमारे सामने संकट की घड़ी आ गई। 15 और 16 जून की बात है कि जब चीन ने अर्धरात्रि को गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। भारत और चीन के संबंधों में तनाव आया है। भारत सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का जवाब देने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। वो स्टेप कौन से होंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश G7 में हमें शामिल करने की जहां पर वकालत कर रहा है, वहीं पर कल की घटना की सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों में हमें सर्वसम्मत से चुना गया है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे पक्ष में हैं, लेकिन 15 और 16 जून की घटना, यानी गलवान घाटी में जो झड़प हुई दोनों देशों की सैनिकों के बीच, उसके पहले में चीन की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है भारत के प्रति, सारे लोग जानते हैं कि चीन भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। वहां पर जब रेड रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, तो भारत के पड़ोसी देश चीन में लोकतंत्र स्थापित ना होकर बल्कि साम्यवाद स्थापित हुआ, जहां पर पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं होती या वहां के नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं होता। उस चीन के साथ सांस्कृतिक संबंध हमारे बेहतर थे, और ऐसे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भावनात्मक रूप से पहल किए। नतीजा यह निकला कि भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर दस्तखत भी हुए 1954 में, लेकिन इस पंचशील सिद्धांत की आड़ में चीन हमारे आदर्शवादी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी, और अरुणाचल प्रदेश के नेफा में उसने 1962 में आक्रमण किया। कहा जाता है कि नेहरू जी हतप्रभ थे, यानी चीन जैसे देश से जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते थे, वो भावनात्मक रिश्ता चाहते थे। खैर, 1962 की चीन भारत युद्ध में नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान से हमारे देश की लड़ाई हुई 1965, परोक्ष रूप से चीन ने उसमें भी पाकिस्तान की मदद की, और 1967 में पुनः भारत और चीन के सैनिकों के बीच नाथुला में सैन्य झड़प हुई। यहां के बाद से भारत की राजनीतिक घटना जो घटी, भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें गूंगी गुड़िया, श्रीमती गांधी को कहा गया, वह गूंगी गुड़िया एक पावरफुल लेडी के रूप में उभर आई थी।
एक शक्तिशाली राजनेता के रूप में भारत में श्रीमती गांधी का उदय होता है। परिणाम स्वरूप 1971 में आप देखते हैं कि बांग्लादेश आजाद हुआ। इतने वर्षों के बीच यानी 62 से लेकर 1985 तक भारत और चीन के बीच जो संबंध था वो एकदम ठप था। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक या किसी भी क्षेत्र में या कूटनीतिक किसी भी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों के बीच जो तनाव का बर्फ जम गया था उसमें राजीव गांधी की गर्म सांसों ने या इस देश की पहल ने पिघलाने का काम शुरू किया। दोनों देशों के बीच पहल हुई 1985 में। राजीव गांधी का चीन दौरा हुआ, गर्मजोशी से उनका वेलकम भी हुआ, कई क्षेत्रों में समझौता हुआ, बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद था, जो बाउंड्रीज डिस्प्यूट थे, जो आज भी है, ऐसे बाउंड्रीज डिस्प्यूट का समाधान करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए ज्वाइंट वर्किंग कमिटी भी बनाई गई। उसके बाद चीन के साथ लगातार संबंध हमारे सामान्य होते रहे। लेकिन आप देखेंगे कि 1991 में जिस भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस चीन जैसे देश ने पूरी तरह उदारीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया, बल्कि 1984 में डेंग शियाओपिंग वहां का प्रधानमंत्री था चीन का, उसने 5 क्षेत्रों में खुले दरवाजे की नीति अपनाई, यानी 5 क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी, बाकी क्षेत्र को नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ कि चीन अपनी जो आधारभूत चीजें हैं उनके साथ उदारवाद को लेकर चला। 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और चीन दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। नतीजा यह हुआ कि आज हम 15-16 जून की घटना को लेकर उसे कोस रहे हैं। यह अचानक नहीं हुआ है, इसके लिए हमें एक चीन की फॉरेन पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं मिडिल किंगडम। ये मिडिल किंगडम की उसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो क्या है, तो वहां के फॉरेन पॉलिसी के जो मेकर हैं, उस चीन की ये सोच कि सबसे ऊपर ईश्वर है और नीचे मनुष्य है और बीच में हम हैं, मिडिल किंगडम, तो हमारे ऊपर ईश्वर है और ईश्वर के नीचे हम हैं और हमारे नीचे सब हैं, तो शासन करने का अधिकार किसको, तो चीन को। परिणाम क्या निकलता है कि वह इस मिडिल किंगडम की पॉलिसी के अनुसार आक्रामक विदेश नीति अपनाया और उस आक्रामक विदेश नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है। उसी आक्रामक विदेश नीति और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने एक और डिप्लोमेसी अपनाई, और जब तक हम इस डिप्लोमेसी को जानेंगे नहीं, तब तक भारत और चीन के बीच जो सैन्य झड़प हुआ है 2020 में, उसको थोड़ा समझने में हमें कठिनाई होगी। तो चीन ने अपने आक्रामक विदेश नीति के तहत एक डिप्लोमेसी अपनाई जिसे नाम दिया जाता है स्प्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। यह चीन की विदेश नीति में अपनाई जाने वाली एक डिप्लोमेसी है, स्प्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। ये क्या है, तो कहा जाता है कि यह हिंद महासागर में
जो इंडियन ओशियन है ये हिंद महासागर में चीन का भू राजनीतिक सिद्धांत है, चीन का भू राजनीतिक सिद्धांत है। यानी इस सिद्धांत के थ्रू चाइना क्या करना चाहता है, दक्षिणी चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, इन समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने इस स्प्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू क्या किया, म्यांमार हमारा भी पड़ोसी देश, म्यांमार जैसे देशों के साथ चीन ने आर्थिक और सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए जानते हैं क्या किया कि म्यांमार से आर्थिक और सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए उस म्यांमार में मिलिट्री बेस तैयार किया, यानी सैन्य ठिकाना उसने बनाया म्यांमार में। ऐसे ही हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश में उसने क्या किया, चटगांव में पोर्ट बनाया, केवल चटगांव में ही पोर्ट नहीं बनाया, उस चटगांव में जो पोर्ट बनाया वह कंटेनर सुविधा के लिए उसने बांग्लादेश के चटगांव में पोर्ट को बनाया। अब यहां से बांग्लादेश के बाद जब हम आते हैं तो हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका में हम देखते हैं कि उसने कोलंबो पोर्ट बनाया, उसी श्रीलंका में एक नया पोर्ट हब्बन टोटा पोर्ट भी उसने तैयार किया। तैयार करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि कैसे श्रीलंका में अपना सैन्य सुविधा को मजबूत किया जाए, और ऐसे श्रीलंका में जो कोलंबो और हब्बन टोटा पोर्ट बनाया गया, जानते हैं ये वो पोर्ट है जिसका चीन व्यापारिक उद्देश्य के साथ ही सैन्य उद्देश्य के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकेगा। अब आप देखिए कि कैसे वह भारत के पड़ोसी देशों के साथ समुद्री मार्गों से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां से पुनः एक हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है,
पाकिस्तान में कराची बंदरगाह, उसी पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है, यहां पर मिलिट्री बेस, सैन्य ठिकाना मजबूत किया, बल्कि यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान के इस कराची और ग्वादर बंदरगाह पर कुछ समय पहले पनडुब्बियां भी देखने को मिली। और तो और, जुलाई 2017 की घटना आपको मैं बता रहा हूं कि जुलाई 2017 में चीन ने पहली बार विदेशों में यानी किसी अन्य देश में अपना मिलिट्री बेस तैयार करने के लिए अपना एक युद्धपोत भेजा और वह कहां पर, जिबूती में। यानी अफ्रीकी महादेश में जो अफ्रीका का हॉर्न है, उस हॉर्न अरब सागर में भी उसने जिबूती जैसे देश में अपना मिलिट्री बेस तैयार कर लिया। एक बार फिर से आप सुन लें, जान लें कि आज चीन और भारत के बीच जो सैन्य झड़प हुई वो कोई अचानक घटना नहीं है। आप देखेंगे कि चीन के विदेश नीति आक्रामक है, वह एक साथ एक नहीं कई मोर्चे पर हमको फंसाए रखना चाहता है। एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश, दूसरे तरफ आप देखेंगे कि नेपाल जैसा देश जिसको भारत सरकार के द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी जाती रही, वह नेपाल जैसे देश को आगे करके और उस नेपाल से यहां तक कहलवा देता है कि अगर भारत और चीन कहें तो दोनों के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने में हम भूमिका निभा सकते हैं। चिप ये नेपाल की हैसियत, एक साथ कई मोर्चा खोलकर फंसाना चाहता है। पाकिस्तान का मैंने उदाहरण दिया, नेपाल को प्रोजेक्ट किया और नेपाल को प्रोजेक्ट करने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो भारत की गलवान घाटी है, अक्साई चीन जिसको उसने कब्जा किया है, उस गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच यह समझौता भी है, हालांकि इस बात का कोई उल्लेख नहीं है जिसको मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ कि गश्त करेंगे, दोनों देशों के सैनिक अपने अपने सीमाओं पर गश्त करेंगे जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, और हथियार नहीं रखेंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि चीनी सैनिकों के हाथ में राड, लाठी, डंडा, पत्थर, नुकीले हथियार भी थे। तो यह कोई अचानक घटना नहीं है। इस घटना को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। तो स्प्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में कहा जाता है कि यह चीन का भू रणनीतिक सिद्धांत है। वह हिंद महासागर में हवाई समुद्री रास्ते से भारत के पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखें कि दक्षिणी चीन सागर से लेकर मलक्का जल संधि, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर,
पूरा एक चक्रव्यूह उसने हिंद महासागर में भारत के खिलाफ तैयार किया है। इन देशों में जो उसने मिलिट्री बेस तैयार किया, जो पोर्ट का निर्माण किया, उसका यह तर्क है कि हिंद महासागर में जो चीन का ऊर्जा का स्रोत है और जो चीन के तेल भरे जहाज जाते हैं, उन्हीं के आवागमन की सुरक्षा के लिए हमने यह मिलिट्री बेस तैयार किया है, यह तो उसका ऊपरी आवरण है। लेकिन वास्तविकता है कि जो उसने बंदरगाह बनाए हैं, जो उसने हवाई पट्टी बनाए हैं, जो उसने सामरिक ठिकाने बनाए हैं, इससे न केवल वह अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत के ऊपर नियंत्रण लगाने की कोशिश भी कर रहा है। और दूसरी ओर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे बंदरगाह हवाई पट्टे का उसने निर्माण किया, उसके अनुसार व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन वास्तविकता है कि जरूरत पड़ने पर वह चीन इन मिलिट्री बेस का इस्तेमाल, हवाई पट्टी का इस्तेमाल अपने सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सकता है। जरूरत है कि स्प्रिंग ऑफ पर्ल की काट के लिए हमारी सरकार के द्वारा भी पहल किया जाए। इसके पहल के रूप में भारत सरकार ने क्या किया, तो आप देखेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो की नीति को हमने फिर अपने विदेश नीति में प्राथमिकता दी। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति, पूर्व की ओर देखो की नीति का सार क्या है कि जो भारत के पूर्वी पड़ोसी देश हैं, ऐसे पूर्वी पड़ोसी देशों में जहां पर चीन की घुसपैठ हो चुकी है, उनके साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। हमने मजबूत बनाया भी, लेकिन उस मजबूत बनाने के दौरान ही यह सैन्य घटना घटित हुई है, जो भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प है। इस सैन्य झड़प ने भारत के विदेश नीति निर्माताओं को एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में चीन का हम सामना करें कैसे, क्योंकि चीन हमें सॉफ्ट स्टेट, नेशन स्टेट के रूप में समझता रहा है। अब जरूरत है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव करें। एक चीन की जो नीति है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी उठा सकते हैं, जो ताइवान को लेकर कहता है एक चीन, हम अब एक चीन को नहीं मानेंगे। जो वहां मुस्लिमों का इशू है, उस इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। अमेरिका जैसा देश, जो आज जिससे रिश्ते हमारे बेहतर चल रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों में हमें सर्वसम्मत से चुना गया है। G7 में शामिल करने की अमेरिका जैसा देश पहल कर रहा है। इसमें एक लार्ज स्केल पर हमारे विदेश नीति में बदलाव करने के लिए मजबूर किया है। हम चीन से कैसे निपटें, हमारी विदेश नीति किन आधारों पर अब चीन के साथ स्थापित होनी चाहिए, मैं इसके अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर इस पर चर्चा करूंगा। थैंक यू।